मीठा जवाब। बादशाह अकबर कई दफा अपने मनोरंजन के लिए दरबारियों से उल्टे सीधे सवाल पूछते। हर बार बीरबल ही सही जवाब दे पाते और इनाम के हकदार बनते। एक दिन काफी दिनों से दरबारियों की टांग नहीं खींची, आज उन्हें फंसाता हूँ। अकबर बनावटी गुस्से में दरबार के अंदर पहुंचे। वो बहुत परेशान भी दिख रहे थे। दरबारियों ने ये देखकर चुप्पी साध ली। अकबर अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। जहांपनाह, आप परेशान क्यों हैं? कल रात मेरे बिस्तर पर कोई व्यक्ति था, उसने मेरी दाढ़ी खींची और मेरे सीने पर लात मारी। बताओ उस व्यक्ति को हमें क्या सजा देनी चाहिए? ये हिमाकत, वो व्यक्ति आपके आरामगाह में तो घुसा ही, आपको उसने लात भी मारी, उसका सिर कलम किया जाए। उस व्यक्ति को 100 कोड़े मारे जाए, उसको फांसी दी जाए। तुम्हारा क्या कहना है बीरबल? जहांपनाह, उसे मिठाइयां देनी चाहिए। क्या बीरबल, तुम पागल हो गए हो? तुम क्या कह रहे हो जानते हो? मैं पागल नहीं हूँ जहांपनाह, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लेकिन ये कोई जवाब तो नहीं हुआ। मैं सही जवाब दूंगा, थोड़ी सी मोहलत दीजिए। मोहलत दी। बीरबल दरबार से बाहर चल पड़े और थोड़ी देर बाद शहजादा खुर्रम के साथ हाजिर हुए। उन्होंने शहजादे को बादशाह की गोद में बिठा दिया। बादशाह की बाहों में बैठे शहजादे ने उनकी दाढ़ी खींचनी शुरू कर दी। तुम सही थे बीरबल। बादशाह ने खुश होकर अपनी अंगूठी उतारी और बीरबल को दे दी।